हमारे उत्तराखंड के संपूर्ण सीपीएड डीपीएड संघ ने ये आह्वान किया है, संपूर्ण वेतनमान देने के बाद और सरकार की जो नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां की हैं उसके बाद अगर हमारी मांगें अगर नहीं मानी गई, अगर दोबारा हमें अप्रसिद्ध करके अगर दोबारा डीएलएड के लिए बाध्य किया गया तो हम प्रदेश स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। यहाँ तक कि कई साथियों ने आत्मदाह की धमकियां भी दे रखी। सर आप ये लगाइए, 7 साल से 17 साल तक की सेवा करने के बाद आज वो शिक्षक अपरिचित हो गया जिसने जो है कई क्लासों को जो है कई सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उनको आज अपरिचित राज्य सरकार घोषित कर रही है। क्या कारण है, आप युवा टीचर हैं, युवा अध्यापक हैं, जब से केंद्र के अंदर सरकार बनी है और आज सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन टीचर्स के हो रहे हैं? सर टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय। मैं सर्व शिक्षा स्कूल है मेरा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। 3-3, 4-4 महीने में सर हमारी वेतन आती है, 3-3, 4-4 महीने में हमारी वेतन आती है। उसके बाद समय समय पर जो ये सरकार तमाम अन्य कार्यों को जो कराती है, कभी हाउस गणना, कभी मतदाता सूची, कभी ये, कभी जितने भी सारे काम अनसरी जो सरकार टीचरों से कराती है, एक तो उनका बोझ है, दोबारा दूसरा जो है समय पर हमें वेतन नहीं दिया जाता सर। थैंक यू।